राहु अभी जो है मेष राशि में है। यहाँ से राहु 30 अक्टूबर को, ये मंगल की राशि है मेष, और यहाँ पे देखिए राहु के आगे मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, जो वक्री ग्रह होते हैं तो राहु केतु वक्री ही होते हैं, तो सारे प्लैनेट ऐसे क्लॉकवाइज मूव करते हैं, राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो मेष राशि से राहु जो है काल पुरुष की कुंडली, ये काल पुरुष की कुंडली है, जो मेष लग्न की कुंडली है उसको काल पुरुष की कुंडली बोला जाता है। तो पहली लग्न से निकल के 12वीं राशि में राहु महाराज प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को, और केतु यहाँ पे तुला राशि में जो थे ये प्रवेश करेंगे बुद्धि की राशि कन्या राशि में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब राहु करेंगे क्या यहाँ पे आकर के और केतु करेंगे क्या यहाँ पे आकर के। एक्चुअली में राहु की बात ज़्यादा होती है, लेकिन मेरे हिसाब से समस्याएं केतु ज़्यादा देते हैं राहु के बजाय, क्योंकि राहु तो क्या है, राहु राहु के हम ट्रांजिट को, गोचर को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि राहु है हमारी वासना, हमारी इच्छाएं, हमारी जो फोकस है ना लाइफ का, हमको क्या चाहिए, वो राहु है। राहु जो है वो भ्रम है। जीवन से बड़ा भ्रम क्या है कि ये मेरा है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन फिर भी ये भ्रम है कि ये घर मेरा है, मकान मेरा है, भाई मेरी है, बहन मेरी है, इस सब के पीछे कौन है, राहु है। ठीक है, तो भ्रम या इल्यूजन भी कह लीजिए इसको। ठीक है, तो आप एक्चुअली में तो राहु क्या करता है कि उस भाव से जहाँ पे भी राहु प्रवेश करेंगे आपकी कुंडली के हिसाब से, सपोज आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो राहु जो है वो यहाँ से आप गिनती चालू करेंगे तो 11वां भाव आएगा, मेष की है तो 12वां आएगा, मीन है तो लग्न आएगा, तो उस भाव से संबंधित जो है चीज़ों में चेंज करते हैं, क्योंकि राहु जो है वो चेंज एजेंट हैं, राहु को यथास्थिति पसंद नहीं है, इसलिए राहु बदलाव के कारक हैं जीवन में। इसलिए इस भाव से जुड़ी जहाँ जहाँ भी राहु अपनी पहुँचेंगे या उनका प्रभाव होगा, प्रभाव कहाँ कहाँ होगा, तो राहु मीन राशि में पहुँचेंगे तो मीन में उनका प्रभाव होगा। इसके बाद जो दूसरी राशि जहाँ पे है वो यहाँ से 5वीं, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5th, 5वीं राशि, तो यहाँ पे राहु महाराज का प्रभाव आएगा। उसके बाद 9वीं राशि, तो यहाँ से आप गिनती चालू करेंगे तो 5 यहाँ या 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, तो यहाँ पे आ गया 9th, राहु का 9th एस्पेक्ट आ गया। अब आपकी कुंडली में जो मीन राशि है वो किस भाव में आती है ना, कर्क जैसे मेष लग्न की कुंडली है, तो एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो उन भावों से संबंधित कारकत्व में बदलाव आएगा, या आपकी इन भावों से संबंधित जो कारकत्व हैं उनसे संबंधित आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, वो आप प्राप्त करना चाहेंगे, उस तरफ आपका झुकाव बढ़ जाएगा, अगले 18 महीने के लिए आप उसको पाने की इच्छा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कर्क राशि है, काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि जो है वो किसकी कारक है, क्या क्या कारकत्व हैं इस राशि के, तो पहला है माँ, दूसरा है भवन यानी कि घर, तीसरा है वाहन, चौथा है सुख, ये मेन आइटम है। बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, आपका हार्ट हो जाएगा, हृदय, आपके लंग्स आ जाएंगे यहाँ पे इत्यादि। तो यदि यहाँ पे अगर किसी की मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो राहु ये इससे संबंधित जो चीज़ें हैं इसमें आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, आप नया घर बनवा सकते हैं, घर में कुछ काम करवा सकते हैं, वाहन करवा सकते हैं, सुख करवा सकते हैं, तो एक तो भाव से संबंधित कारकत्व में बदलाव आता है। दूसरा जो है ग्रह जो बैठे हुए हैं राहु से, राहु के संपर्क में जो ग्रह आएंगे, मान लीजिए कि मीन ही आपकी लग्न है
आपकी मीन राशि में मंगल बैठा हुआ है, लग्न कुछ भी हो, सपोज यहाँ मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल किसका कारक है? मंगल घर का कारक, घर निर्माण का कारक है मंगल। इंजीनियरिंग का भी कारक मंगल है, ठीक है, ब्लड का भी कारक मंगल है, छोटे भाई का भी कारक मंगल है। तो राहु देवता इन कारकत्व से संबंधित, मंगल से जो भी संबंधित कारकत्व हैं, उनमें बदलाव जरूर करेंगे, या आपकी इच्छाएं, आपकी जैसे कि यहाँ पे मंगल है तो आपको घर खरीदने की, घर बनवाने की आपकी चाहत बढ़ जाएगी, आप चाहेंगे कि हम घर बनवा लें, ठीक है ना। अब वो चेंज जो है वो अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। ख़राब कब होगा कि आप चाहते हैं कि आपका घर बन जाए लेकिन नहीं बन पा रहा है, तो आपके लिए ख़राब हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस 100% अगर आप, जैसे कि मंगल मान लीजिए दांत का भी कारक है, यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है मान लीजिए, तो आपको दांतों में समस्या हो सकती है। दांतों में नहीं समस्या होगी तो आप कम से कम अपनी टूथपेस्ट की ब्रांड चेंज कर देंगे, दूसरा टूथपेस्ट ले आएंगे। टूथपेस्ट अभी आप कोई और कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ और आप करना चालू कर देंगे। तो इस तरीके के छोटे बड़े कारकत्व में राहु का फर्क इस तरीके से आएगा। तो कहाँ कहाँ आएगा? एक तो मीन में आएगा, कर्क में आएगा, वृश्चिक में आएगा। तो आपकी कुंडली के हिसाब से जो भी भाव आ रहे हैं, पहला भाव है, दूसरा भाव है, ये हम अगले वीडियोस में कि किसी की मेष राशि है या मेष लग्न है तो क्या प्रभाव होगा, मीन में है तो क्या प्रभाव होगा, ये आपको विस्तार से समझाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात राहु जहाँ वासना है, इच्छाएं हैं, भ्रम है, चेंज है, बदलाव है, वहीं केतु क्या करता है? केतु से आपको ज़्यादा समस्या होगी। केतु क्या करता है? केतु जो है वो आपको ज्ञान देता है, वो आपको समझाने की कोशिश करता है कि बेटा इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो। राहु से उल्टा चलेगा केतु, ठीक है ना। तो केतु जो है सांसारिक जीवन के सुख को कट करता है, उसको कम करता है, ठीक है। तो दूसरा जो है वो, अगर कोई ग्रह उसके संपर्क में आ जाए तो उसको शुद्ध करने की, प्योरीफाई करने की कोशिश करता है। और प्योरीफाई कोई भी चीज़ अगर शुद्ध होगी, सही होगी, तो आपको तकलीफ होनी होनी है, क्योंकि शुद्धिकरण तो हमेशा आसान होता नहीं है। इसलिए केतु ज़्यादा तकलीफ देता है आपको। तो केतु अब तुला से कन्या राशि में आएगा। तो एक तो जैसे आप कालपुरुष की कुंडली ही ले लें, तो अभी केतु तुला में था, तो तुला किसका है? पार्टनरशिप का कारक है, विवाह का कारक है ना, आपके जीवन साथी का कारक है। तो नॉर्मली जो है डाइवोर्स की, पति पत्नी में झगड़े की ये समस्याएं बड़ी थी, बहुत कम हो जाएंगी केतु क्योंकि जैसी कन्या राशि में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन केतु जो है वो यहाँ पे जब कन्या राशि में आया, तो कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में मान लीजिए छठमा है, तो किसका है? रिपु का है, ऋण का है, रोग का है। इसके अलावा कन्या राशि किस चीज़ की कारक है? नौकरी की कारक है, और क्या है? नौकर भी है, आपका प्रारब्ध भी है, जिस वजह से आप इस जीवन में आए हैं। तो इन प्रभावों को लेकर के केतु कुछ ना कुछ कांड जरूर करेंगे, आपकी नौकरी चेंज करवा देंगे, आपके नौकर छोड़ के जा सकते हैं, नौकर बदल सकते हैं, ठीक है ना। आपके जो दुश्मन हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि कट करेगा ना, छठवें भाव में है केतु, तो अच्छी बात है, कम करेगा, दुश्मनी कम हो जाएगी, ऋण आप उतार सकते हैं केतु ऐसे भाव में है। तो केतु का छठवें भाव में जाना एक्चुअली में अच्छा है, राहु केतु 6-8-12 में जाते हैं तो अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ के भावों को, प्रभाव को अगर कम करते हैं। राहु एक चीज़ और करता है, राहु जो है वो एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा देने का काम, अनंत कोटि एक्सपेंशन है, ब्रह्मांड की तरह। राहु एक चीज़ और करता है, राहु जो है स्टार्ट भी है, किसी भी चीज़ की स्टार्ट के लिए आपको राहु चाहिए। तो इस भाव से संबंधित, यानी कि राहु क्या करेंगे, मीन, कर्क और वृश्चिक से संबंधित जो भी चीज़ें, उसमें नई नई चीज़ें आपको स्टार्ट करवाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस दुनिया में जो 12वें भाव से मीन राशि से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे कालपुरुष की कुंडली में विदेश का है, ये अननोन सब्जेक्ट का भी है, तो साइंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसे इन्वेंशन अगले 1.5 साल में आएंगे जिनको लोग अभी नहीं जानते हैं, ये 100% होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि राहु जो है वो स्टार्ट करेंगे, खोज के भी कारक राहु हैं, किसी भी रिसर्च के, खोज के कारक राहु हैं। और 12वां भाव है अननोन, जिसको हम जानते नहीं हैं, वही तो विदेश है जिसको हम नहीं जानते हैं। तो अननोन सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च राहु करवा के कुछ ना कुछ देगा।
कन्या में केतु है, तो केतु का पांचवा एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 मकर में आ जाएगा, तो ये हो गया फिफ्थ केतु। यहाँ पे केतु महाराज अपना असर डालेंगे। 7, 8, 9 यहाँ पे भी केतु महाराज, 9th केतु आ गए यहाँ पे एस्पेक्ट। तो ये अब आपके ग्रहों के ऊपर है कौन सा ग्रह कहीं कहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले राहु के प्रभाव के बारे में बात करेंगे, हर राशि पे, हर ग्रह पे भी मैं बताऊंगा। लोग लगभग राशि के बारे में बताते हैं, पर मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु के साथ यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ सूर्य बैठा हुआ, यहाँ कर्क राशि में सूर्य है या वृश्चिक राशि में सूर्य है, तो आपके जीवन में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो प्रेडिक्शन है इसी में उपाय है, उपाय कहीं बाहर नहीं करना है, लेकिन अगर इसके मूवमेंट के हिसाब से हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत अलाइनमेंट कर लेते हैं तो हमको उतनी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, बस जो है ज्योतिष जो है वो प्लानिंग की साइंस है, समाधान की साइंस नहीं है। तो गुरुचर के हिसाब से हम थोड़ा बहुत अल्टरेशन अपने जीवन में कर लेंगे, यदि प्लानिंग कर लेंगे तो हमको तकलीफ कम होगी, हमारे लिए वो शुभदायी भी बन सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि राहु अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन राहु सबसे पावरफुल है कलयुग में। क्योंकि देखिए सबसे क्यों, आप देख लीजिए, इंटरनेट राहु है, आईटी राहु है, ठीक है, ये सब राहु ही हैं। तो इंटरनेट का ज़माना है, आईटी का ज़माना है ना, गैर कानूनी भी राहु है, जुगाड़ भी राहु है, सब काम जुगाड़ से हो रहा है, तो राहु के बिना तो जीवन चलना बहुत मुश्किल है। आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं तो राहु महाराज की कृपा से ही देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा उठाइए राहु का, और ये आपको अगले वीडियो में विस्तार से मेष राशि से चालू करके सभी राशियों के बारे में राहु का क्या परिवर्तन आएगा आपको जरूर बताया जाएगा। आप सबका जीवन शुभ हो।